राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्य सहकारी बैंक ने एक वित्तीय वर्ष में एक सौ ग्यारह दशमलव पांच शून्य करोड़ का परिचालन लाभ हासिल किया है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यह दावा किया उन्होंने बताया कि पिछले साल ये लाभ एक सौ तीन दशमलव चार एक करोड़ रुपए था आंजना ने बताया कि टोंक केंद्रीय सहकारी बैंक ने सबसे ज्यादा बारह करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल किया है अब सहकारी बैंकों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस बीच उन्होंने ये भी बताया कि 16 अप्रैल से किसान को खरीफ फसली ऋण देना शुरू कर दिया है और अब तक पच्चीस हजार से ज़्यादा किसानों को पचास करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका है